चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, है ना। ₹20,000 पूरे के सर 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए? 120% बेटा होगा क्या, पहले ये समझो। सेलिंग प्राइस होगा, प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%। 20% किसका? कॉस्ट प्राइस कितना लगा था हैंड को खरीदने में? 8,000। तो सर मेरे को प्रॉफिट कितना है, मेरा सर प्रॉफिट मेरे को कितना है? 20% ऑफ That is 20 by 100 into that is 1600 रुपए सर होंगे सर ओवरऑल प्रॉफिट सही आया। अब मैंने 20 हैंड को मैंने बेच दिया, 20 हैंड को बेच दिया, कितने पे बेचा है सर? 5% प्रॉफिट पे। अच्छा सर, अब जी सर 20 हैंड का कॉस्टिंग कितना आएगा? 8,000 कितने का कॉस्टिंग है? 100 का है, तो 20 का कितना आएगा? कितना है कि नहीं? मतलब सर कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 एंड इज इक्वल टू रुपीस 8,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एंड इज इक्वल टू, हाँ आप पहले वाले एंड का भी निकाल सकते थे, 20 एंड का पहले वाले एंड का ही निकाल लीजिए, वाले एंड इज इक्वल टू कितना? That is rupees. The cost price of 20 yens. So rupees 50 into 1600 रुपए का सर इसको cost price गिरा कितना का? 20 yens का cost price कितना गिरा? 1600 पे profit कितना कमाया? 5%। तो 5% profit कैसे calculate करोगे? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 20 एंड इज इक्वल टू 5% ऑफ 1600 कितना आएगा? 80 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी, 16 मुझे टोटल प्रॉफिट कितना गेन करना था? 1600 मैंने गेन अभी तक कितना किया? 80 मैंने गेन कर लिया, मेरे पास गेन करने के लिए बचा हुआ कितना है? 1500। मुझे 1520 किसमें से कमाना है? रिमेनिंग हैंड से। मतलब सर बचे हुए कितने हैं? 80 हैंड में हमको कमाना कितना है? 1520। तो ठीक है, अब एक हैंड से मतलब मुझे कितना कमाना है सर? मतलब सर 1520 मुझे कितना से कमाना है? 80 हैंड से कमाना है ना। अभी आपको सर क्या बोला, कितने पे सर बाकी के हैंड को बेचा जाए, यही ना, बाकी के हैंड को कितने पे बेचा जाए। अच्छा अभी सर दो तीन चीजें हैं, ठीक है, अभी आप बताने का कोशिश करो सर कितने पे बेचा जाए। मैंने कुछ कुछ करके आपको दे दिया, जल्दी बताइए, आपको मैक्सिमम करके दे दिया, थोड़ा पेन कॉपी यूज कीजिए जल्दी जल्दी, आंसर निकाल देते हैं इसलिए आप लोग नहीं बनाते हैं। मेरी बात को समझिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, शायद से थोड़ा थोड़ा पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार। तुमने जो बोला है ना 19, वो क्या है 19, ये सोचने की बात है। 109 तो नहीं,
पर हैंड आपको बचाना है। एक हैंड को आप कितने पे बेच रहे हो? 80 रुपए पे, सॉरी बेच कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो बेचोगे कितने पे? 99 रुपए। और 99 पे आपको कितने हैंड बेचने हैं? 80 हैंड बेचने है ना। तो अगर एक हैंड को कितना पे बेचना है सर? 99 को। बचे हुए हैंड को कितने पे बेचना है सर? 99 × 80 है ना। तो दैट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ और रिमेनिंग हैंड्स। और किसी एक हैंड का अगर मैं बोलूंगा सेलिंग प्राइस बताने के लिए तो कितना होगा? 99। इज इट क्लियर और नॉट? ये बनाइए इसको। जल्दी जल्दी बनाइए। क्वेश्चन आपको क्या बोला था एक बार आपने ये पढ़ लीजिएगा सर। क्वेश्चन बोला एट व्हाट गेन परसेंट, कितने प्रतिशत गेन है ना, कितने प्रतिशत गेन पे बाकी को बेचा जाए, ये आपको बताना। बना लिया? नहीं हुआ, हो गया। ये आपने 1520 बोला, हाँ या ना सर? 1520 का आपको क्या चाहिए था? 80 गेन पे 1520 आपको क्या चाहिए था? गेन चाहिए, गेन चाहिए था। अब समझिएगा, अभी आप लोगों ने क्या क्या किया पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने मुझे बोला सर 1520 ठीक है, इसको सर 80 एन पे बांट देने के लिए, यही किया ना। और यहीं से आपका आया सर 19 निकल गए थे राइट। और आपने मेरे को सर सेलिंग प्राइस बता दिया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस था सर इसका 80 प्लस प्रॉफिट था सर 90 और ये आपने बताया सर मुझे 99। इज इट राइट और नॉट? बट मैं कह रहा हूँ सर क्वेश्चन तो मुझे सर ये बोला ही नहीं है निकालने। क्वेश्चन मैंने तो बोला सर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बताइए। क्वेश्चन मैंने से बोला सेलिंग प्राइस के लिए, क्वेश्चन मैंने से क्या बोल रहा हूँ? प्रॉफिट परसेंट। तो सर प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको सर क्या जरूरी है जानना? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय इनटू 100। सर प्रॉफिट कितने का था? प्रॉफिट कितने का कमा? 5% तो मैंने 80 रुपए का कमा लिया, मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है? मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है? 15% कमाना है, 20% ओवरऑल कमाना है। मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है? 1600 रुपए तो टोटल, 1600 रुपया तो उसमें से मैंने 80 कमा। मेरी बात को समझो वापस, 20% प्रॉफिट सर आपको कमाना है। 20% अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो सर मुझे 1600 रुपये कमाना है। मैंने 1600 रुपये में मैंने 80 रुपये कमा लिया, 80 रुपये जो मैंने कमा लिया तो मैंने उतने हिस्से का सामान भी बेच दिया। अब बचे हुए सामान से मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है ताकि जो प्रॉफिट परसेंटेज अभी जो मैंने बाकी सामान जो बेचा है उसमें मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 5% का था। ये 5% से बढ़ करके कितना हो जाए? 20% का हो जाए। 20% का क्या? अब से 20% ले? नहीं, पूरे ट्रांजैक्शन पे, मतलब जो 5% पे जो हम बेचे हैं ठीक है, जब हम उसको बाद में देखें ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो हमको क्या पता पड़े कि पूरे ट्रांजैक्शन पे हमको टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20% का हुआ। तो मैंने बोला कि सर आपको मतलब इन शॉर्ट आपको जितना भी आपने पैसा लगाया उससे आपको जो पैसा वापस चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा जो वापस चाहिए, वो एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 1600 एज अ प्रॉफिट। अब इन 1600 रुपये में से आपने 80 रुपये थोड़ा कम प्रॉफिट पे कमाया, थोड़ा कम प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपने 80 रुपये कमा लिया, तो आपको मुझे कमा करके देना कितना है? मुझे कमा, आपको मुझे प्रॉफिट के तौर में कितना देना है? 1600 तो कमाना है टोटल, उसमें से तो 80 आपने कमा लिया तो और 1600 कमा करके देंगे 1520। ये मैं आपको पैसा
एक्स्ट्रा और कमा करके दूंगा, राइट। अच्छा, इसको कमाने के लिए मेरे पास कितने सामान बचे हुए हैं? 80 है बचा हुआ, 80 है बचा हुआ ना, 80 है बचा हुआ। तो कॉस्ट प्राइस भी अच्छा, और जो मुझे ये कमाना है, ये मुझे कमाना कितने से? 80 है, तो 80 है का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6,464 रुपए मेरा सर कॉस्ट प्राइस आएगा किसका? 80 है का। 1520 रुपए क्या है? प्रॉफिट है 80 एन पे आया ना, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू सॉल्व करके सर प्रॉफिट परसेंटेज बता दे आया ना 23.75। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो सर 23.75। अब इसका सर मतलब क्या हुआ? 3.75 जो एक्स्ट्रा परसेंटेज है ये क्या करेगा? ये सर जो मैंने 20 सेंट को जो कम रेट पे बेचा है उसको 20 तक लाने में मदद करेगा, है ना। जो मैंने कम प्रॉफिट पे बेचा था उसको 20% तक उठाने में ये एक्स्ट्रा परसेंटेज हेल्प करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? yes, सभी को आया? yes, पक्का? yes, जिसको नहीं आया बताइए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मैंने क्वेश्चन बोला मेरे पास 100 मुर्गी थी, ठीक है, और उसको मैंने 8,000 में खरीदा, ठीक है। अब 8,000 में खरीदने के बाद मैंने उसमें से 20 मुर्गी को बेच दिया, मैंने उसको 20 मुर्गी को, लेकिन उस समय मुझे धंधे का समझ नहीं था तो मैंने बोला 20 मुर्गी को कितने में बेचें, तो 5% प्रॉफिट रख करके आप बेच दिए। फिर मुझे बाद में पता चला कि यार स्टाफ है, ये है, वो है, बहुत तरह का खर्चा है और इतने से काम से पैसे से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मुझे अपना प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कम से कम जो 20% का जो प्रॉफिट है मुझे वो अब से नहीं चाहिए, वो मैंने जो पैसा लगाया है उस पूरे पैसे पे मुझे 20% चाहिए। तो यही ना बोला, सी मस्ट सेल द रिमेनिंग है सो एज टू गेन 20% ऑफ द होल, पूरे पे 20% का चाहिए। तो पूरे पे 20% का मतलब मेरे पास टोटल कितना का था? 8,000 रुपये मैंने लगाया था, तो 8,000 में 20% का मतलब 1600, बट मैंने 5% ऑलरेडी कमा रखा है। मैंने 5% कितने को बेच करके कमाया? 20 मुर्गी को। तो मैंने जो 20 मुर्गी को बेचा तो मुझे कितना, जब मैंने जो बोला 20 मुर्गी पे मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला? 5%। तो सर 20 मुर्गी का कॉस्ट प्राइस कितना था? तो मैंने बोला सर कॉस्ट प्राइस का 100 एंड कितना था? 100। एक एंड कितना था? 80। 20 एंड का कॉस्ट प्राइस कितना था? 1600। 20 एंड का कॉस्ट प्राइस कितना था? 1600। अब इस 1600 में से ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, इसका 5% मैंने कमाया, तो इसका 5% निकालने के लिए तो कितना आया? 80। तो मैंने 80 रुपये अभी तक कमा लिया, तो मुझे और कितना कमाना? 1520। अब 1520 कमाने के लिए मैंने इन्वेस्ट कितना किया हुआ? अब समझो 1520 रुपया तुमको और कमाना है ना, तो 1520 रुपया कमाना है, मैंने 20 मुर्गी तो बेच दिया है, तो अब मुझे जो बचा हुआ है उसी का देखना है ना। तो 80 मुर्गी का कॉस्टिंग कितना आएगा? 6,400। 80 मुर्गी का कॉस्टिंग 6,400। मुझे 80 मुर्गी से ही ये 1520 रुपये कमाना है, मुझे 80 मुर्गी से ही ये 6,400 रुपये मुझे ये रेट गिवन, तो इसको मैं अगर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिलेगा? 23.7। ताकि मैं बाकी बचे हुए मुर्गी को अगर मैं 23.75 के रेट पे बेचता हूँ तो मुझे पूरे ट्रांजेक्शन पे 20% का प्रॉफिट आया ना आपका। बन गया ये, आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन बनाइए।
क्वेश्चन देखे, मैंने परचेज 2 फैट 4 रुपीज 2160 है ना, 2 फैट 2160 पे खरीदा, इसका मतलब क्या दोनों को बराबर रेट पे खरीदा होगा, ये मैंने बड़ा क्लियर बताया था है ना। तो अब एक फैन को अगर एक्स पे खरीदे तो दूसरे को कितने पे खरीदे, क्यों भाई 2160 2160 पे तो दोनों खरीदा, एक को खरीदा एक्स पे, हाँ 2160 माइनस एक्स पे मैंने दूसरे को खरीदा, ये कॉन्सेप्ट बताया कि नहीं बताया आपको। अब आगे भी क्या बोला, बाय सेलिंग वन फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, एक फैन को 15% प्रॉफिट के साथ बेचा तो कितने पे बेचा बताइए, कितने पे बेचा, 15% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब क्या होता, 115% किसका, सीपी का, तो 115% ऑफ सीपी दैट इज एक्स, दिस इज द एसपी ऑफ फर्स्ट फैन, आया ना। और क्या बोला, दूसरे को 9% लॉस पे बेचा, दूसरे को लॉस पे बेचा, कैसे बेचा, कितने पे बेचा, 91% ऑफ सीपी, कितना था 2160 माइनस ऑफ एक्स, ये एसपी ऑफ सेकंड है, इतना बात कहने के लिए समता है ना। आगे इन आइदर गेन्स नॉट लूजेस इन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन की बात अगर करेंगे तो ना तो उसको कोई फायदा हुआ ना ही उसको कोई लॉस हुआ, इसका मतलब ना तो कोई फायदा है ना तो कोई समझ में आया कि नहीं आया, पूरे ट्रांजेक्शन पे ना इसको कोई फायदा होगा ना कोई। अच्छा ना तो आपको सर कोई फायदा हो रहा है ना तो कोई आपको नुकसान हो रहा है, इसका सर मतलब सर क्या हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं, मैंने तो बोला जितने में खरीदे उतने में नहीं बेच रहे, मैंने क्या बोला कि इस पेन को बेचने पे मुझे 10 रुपए का फायदा होता है, ठीक है, बट इस एयरपॉड्स को बेचने पे मुझे नुकसान हो जाता है, मुझे नुकसान हो जाता है, ठीक है, बट ओवरऑल मैं अगर देखूं तो ना मुझे फायदा हुआ ना ही मुझे नुकसान, इसका मतलब क्या है, हाँ 10 रुपए का जहां पे हमको प्रॉफिट मिल दिया ये दूसरा हमको क्या दे दिया लॉस, और वो भी लॉस कितने का देगा, 10, अभी मैंने 10 रुपया बोला था और वो भी हमको लॉस कितने का देगा, 10 रुपया का ही लॉस देगा, तभी तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो, आया ना। तो अब मेरी बात को समझ, एक तरीके से पहले पे सर प्रॉफिट कितना था, एक्स प्रॉफिट है, एक्स सेलिंग प्राइस है भैया, आप सब कुछ बोली दो एक लाइन से, प्रॉफिट बोल दिया, सेलिंग प्राइस बोल दिया, कुछ बचा नहीं तो भैया कॉस्ट प्राइस, एक्स क्या है, प्रॉफिट कितने का वो बता, 15% का, तो सर प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट पहले पे कितने का, 15% का, लॉस दूसरे पे हुआ कितने का, 9% का, 9% का पे 2160 माइनस ऑफ। अब लेकिन तुम मुझे बता बोल रहा है कि पूरे ट्रांजेक्शन पे ना लॉस है ना, तो सर ये दोनों बराबर नहीं है, आया ना, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, अगर आपको फायदा और नुकसान कुछ नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस आपका बराबर, आया ना, सिंपल 15/100 इंटू एक्स 9/100 इंटू 2160 माइनस ऑफ ये, और ये खत्म, अगर नहीं खत्म करने आता है तो मत खत्म करना या सीख लो, यहाँ पर पूरी कितनी टर्म है, एक, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 है,
इधर भी सर सर कुछ एक टर्म रहेगा तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, समझ में आएगा। लेकिन यही अगर 100 और यहाँ मान लो कि तुम्हारा अपॉन में एक्स प्लस वाई होता था, अब कैंसिल कर पाते? अभी भी कैंसिल कर पाते। क्यों कैंसिल कर पाते? क्योंकि वापस से यहाँ पर कितना टर्म है, स्टिल देर इज वन टर्म, यहाँ पे कितना टर्म है, एक टर्म। लेकिन यही अब कैंसिल कर पाते, अब नहीं कैंसिल कर पाते, क्यों? यहाँ पे कितना टर्म आ गया, दो, यहाँ पे अब कैंसिल। लेकिन अगर ये 100 प्लस एक्स ऐसे रहता तब ये 100-100 कैंसिल होता, अभी भी ये कैंसिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ और यहाँ पे प्लस ऑफ एक्स रख देते तब ये पूरा हो जाता, है कि नहीं? ये चीजें समझ में आएगी नहीं आएगी? तो ये 100-100 कट गया। अच्छा ये एक्स और ये एक्स कटेगा, ये एक्स और ये एक्स कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये पहले बात, यहाँ पर एक टर्म ये है और यहाँ पर भी एक टर्म है, लेकिन एक्स जो है वो किसी के अंदर में और किसमें है, माइनस, मतलब यहाँ पर सर कितना टर्म आ गया, दो, और यहाँ पर, इसीलिए सर इसमें कुछ भी नहीं करता। तो इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 15x, 9 × 2160 कितना, 9 6 64 माइनस ऑफ, इसको शिफ्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 24x 64, एक्स का वैल्यू बता दीजिए आया ना। अच्छा आपको एक्स का वैल्यू पता चलेगा, तो एक्स क्या था सर, किसका फर्स्ट फैल का, और 2160 माइनस एक्स, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बनाइए सभी लोग, यहाँ पे हमारे क्लास के कुछ महादेव हैं जिन्होंने कैलकुलेशन करके गलत बताया था, इसको सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लीजिए, 19440, ठीक है, बन जाएगा आगे, समझ में आया कि नहीं आया? सर इस वाले पार्ट का सर यहाँ पे एप्लीकेशन कुछ नहीं था, ये सिर्फ समझने के लिए था, गलत नहीं है, ये चीज समझने के लिए था कि 15% का प्रॉफिट का मतलब 115% ऑफ दैट सीपी इज माय सेलिंग प्राइस, 9% लॉस का मतलब 91% ऑफ द सीपी इज माय सेलिंग प्राइस। लेकिन हम उस क्वेश्चन में बोला था कि सर 15% का प्रॉफिट होता है और एक पे 9% का लॉस हो जाता है, बट ओवरऑल हमको ना तो नुकसान, ना तो फायदा हो रहा है, ना तो नुकसान हो रहा है ना, समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अ डिसऑनेस्ट डीलर जो भी और कोई डिसऑनेस्ट डीलर है, ठीक है, वो अपने गुड्स को बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब वो डिसाइड करता है कि हम जितने पे खरीद रहे हैं हम उतने पे ही बेच देंगे। अब लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है डिसऑनेस्ट है, बोल रहा है जितने पे तुम खरीदे थे उतने पे हम बेच देंगे, तो कुछ तो झोल कर रहा है ना, क्या झोल कर रहा है? बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम्स फॉर 1 kg, मतलब जहाँ पर कस्टमर को 1 kg सामान दे रहा था वहाँ पर वो सामान 960 ग्राम ही दे रहा है। फाइंड इज गेन। अब मैं क्या कहता हूँ सर, लेट
कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम भी रुपीज आया ना सर, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस मैंने कितना ले लिया? अब मुझे बता दें कॉस्ट प्राइस ऑफ 960 ग्राम वो सर दे कितना रहा है? 960 ग्राम ही दे रहा है तो सर ये कितना हो जाएगा रुपीज? रुपीज 960 आया ना पक्का? अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम रुपीज 1000। अब मेरी बात को समझ लो सर, 1000 ग्राम का दाम सर कितना है? 1000। ये मेरा सर आगे, अब मैंने लेकिन आइटम मैंने 1000 रुपए का सामान मैंने खरीदा, 1000 रुपए में मैंने कितना ग्राम खरीद लिया? 1000 ग्राम मैंने खरीद लिया, बट मैंने सामने वाले को दिया कितना? 960 ग्राम मैंने सामने वाले को दिया, राइट? मैंने सामने वाले को दिया कितना? 960। अब मुझे आप बताइए सर, मेरे को कितना का फायदा और कितने का नुकसान? अब मेरे को एक बात समझो सर, ये जो 960 ग्राम आप दे रहे हो, ठीक है, जिसका एक्चुअल कीमत 960 है, बट आप कस्टमर को कह क्या रहे हो कि ये कितने के बराबर है? That is, this is the cost for selling price of 1000 ग्राम। समझना मेरी बात को, वापस मैं कहता हूँ सर, मैंने बोला सर 960 ग्राम आप कस्टमर को, आप सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझ लो कि मेरे पास 1000 ग्राम मैंने खरीदा, 1000 ग्राम जो मैंने खरीदा वो मैंने कितने का खरीदा? 1000 रुपए का खरीदा, राइट? बट मैंने डिसाइड किया कि मैं कस्टमर के साथ बेईमानी करूँगा, ठीक है, बेईमानी करके मैं उसको 960 ग्राम ही दूंगा। तो अगर मैं उसको 960 ग्राम देने के लिए जाता तो उसको मैं खरीदता कितने की कीमत पे? 960 की कीमत पे, राइट? मैंने कि उसको खरीदता कितने की कीमत पे? 960 की कीमत, राइट? बट मैं कस्टमर को क्या कह रहा हूँ, मैं आपको 960 ग्राम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कितना दे रहा हूँ? 1000 ग्राम मैं आपको दे रहा हूँ। 1000 ग्राम समझ में आया कि नहीं? मैं आपको 960 ग्राम ना दे करके मैं आपको दे रहा हूँ। वापस बोलो, वापस बोलो, फिर से बोलता हूँ, फिर से सुनिए सर, मेरे को बोलता है कि मुझे ना वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर बल्क, इसका मतलब क्या होगा कि सर जो भी सर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg होगा, 1 kg तो बोल रहा है बट वो दे कितना रहा है? 960 ग्राम ही तो वो दे रहा है, और वो और क्या बोला कि और वो बेचने और सेल हिज गुड्स एट सीपी, तो सीपी को तुमने कितना बोला है? 1 रुपए। तो सर 1 kg 35000 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 1000 होता कब? जब मैंने एसपी बोला होता वन है, मैंने एसपी बोला है वन है, ये 1000 ग्राम की कीमत मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें 1000, मैंने ये लो ये 1 किलो है मैंने तुम्हें दे दिया, बट क्या क्या है ये 1 किलो है, ये कितना है? तो इसको मैंने कितने पे खरीदा होगा? इसको मैंने कितने पे खरीदा होगा? 1000 पे खरीदा होगा भैया। मैंने मेरे कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है? 1 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 रुपए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये लो 1 kg सामान है, तो अब मैं अगर ये दे रहा हूँ 1 kg सामान और तुमसे मैं पैसा लूंगा, तो मैं इस सामान को क्या कर रहा हूँ? बेच रहे हैं ना, तो मेरा सर इसका सेलिंग प्राइस है ना, और मैं क्या कह रहा हूँ सेलिंग प्राइस है 1000 ग्राम, बट ये एक्चुअल में कितना ग्राम है? 960 ग्राम। तो मैंने इसके लिए पैसा जो मैंने मार्केट से लिया है, मैंने इसके लिए कितना पैसा दिया? 960। मैंने इसके लिए 960 ग्राम सॉरी 960 रुपए दिया है, आया ना? आया ना? यस सर। इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 960, आया ना? और कॉस्ट प्राइस ऑफ 960 ग्राम कितना होगा? रुपीज 960।
सर इन शॉर्ट 1000 ग्राम का दाम आपके पास कितना है? 960। क्लियर। अब 1000 ग्राम अगर आप बेच रहे हो तो 1000 ग्राम बेचने के लिए आपको खरीदना भी कितना पड़ेगा? 1000 ग्राम ही। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम कितना? 1000 रुपीज। अब मैंने जो लिखा है ये सही लिखा या गलत लिखा है सिर्फ इतना सा आप बताओ। अभी मैंने आपको समझाया सही है बट आपने कुछ लिखा गलत हुआ। जहां पर सीपी होगा मैं 1000 ग्राम खरीद रहा हूं बट मैं बेच 960। यही तो मैंने आपको बोला था, नहीं बोला अभी आपको कि ये मैं आपको कितना दे रहा हूं? 960 ग्राम दे रहा हूं बट इसके लिए मैंने मार्केट से खरीदा कितना है और मेरे को जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से मैं अपने पास बचा ले रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने सर 1000 ग्राम खरीदा और बेचा 960 ग्राम। अच्छा, जब 1000 ग्राम खरीदा तो 1000 ग्राम अच्छा का कीमत कितना होना चाहिए था? 960 ग्राम आप कितने में बेच रहे हो? 1000। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम कितना है? अब मैंने सर कितना आइटम बेचा है? 960। अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस अगर देखना रहेगा तो मेरे पास खरीदने में मुझे कितने आइटम थे? 960। तो मैं सर कितना आइटम कॉस्ट प्राइस ऑफ 960 ग्राम कितना होता? 960 आया ना। प्रॉफिट कितने का आता? 40 आया ना। 40 का प्रॉफिट किस पे आता? प्रॉफिट का सीपी, सीपी कितना था? इनटू नहीं ना, तो सॉल्व करके प्रॉफिट बता दो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ भी नहीं था। मैं वापस आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ सर, 1000 ग्राम को मैंने खरीदा है ठीक है और उसको बेच कितना रहा मार्केट में? 960 ग्राम। समझ रहे हो? मैंने मार्केट से खरीदा ज्यादा सामान और सामने वाले को बेचा कम सामान, समझ गए? और मैंने बोला कि ठीक है मुझे जितना में मैंने खरीदा है ना मुझे उतना ही पैसा दे दो, पर जब मैं सामान देने के लिए गया तो मैं सामान ही उसको कम दे दिया तो मुझे क्या हो गया? फायदा हो गया है ना। मैं उतना ही सामान अगर उसको दे देता तब ना मुझे फायदा होता ना ही नुकसान होता। लेकिन मैंने सिंस की उसको दिया ठीक है, क्या दिया, कितना सामान दिया उसको? कम सामान दिया जितना मैंने खरीदा था उससे, इसीलिए मुझे क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। आज आप लोग अपना सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक का क्लास वर्क कॉपी सबमिट करेंगे प्रॉपरली सॉल्व आफ्टर द क्लास। इज इट ओके? चलिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।